हमारे साथ है बेहद खूबसूरत बेहद टैलेंटेड नेहा शर्मा नेहा से बात करता हूँ कि नई फिल्म यंगिस्तान के बारे में नेहा स्वागत है आपका पी सेवन में कैसी है फिल्म यंगिस्तान बहुत एक्साइटेड हूँ फिल्म को लेकर के क्योंकि एक बहुत ही रिफ्रेशिंग और नया टेक है अफजाल इस फिल्म के डायरेक्टर हैं जिनकी ये पहली फिल्म है बट पॉलिटिक्स के ऊपर उनका एक बिल्कुल नया टेक है जैसे कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड फिल्में बहुत ही सॉम्बर और बहुत ही इंटेंस और ड्रामेटिक और थोड़ी सी डार्क होती हैं लेकिन ये फिल्म बहुत रिफ्रेशिंग है और इसमें एक लव स्टोरी भी है जो बहुत ही एक्साइटिंग है मेरे हिसाब से और पॉलिटिक्स के बैकड्रॉप पे सेट है जो हार्डली कभी होता है सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ दिस ताज महल में आइए कितनी एक्साइटेड है ताजमहल बहुत एक्साइटेड हूँ आई मीन पोस्टर्स में देखा था किताबों में देखा था टीवी पे देखा था अब रियल में देख रही हूँ तो कैसा लगा मजा आ गया कैसे लगातार बहुत खुश हूँ आई होप शूटिंग के लिए नहीं आई होती आ, और घूमने के लिए आई होती तो अच्छे से देख लिया ताज? देख लिया मैंने बहुत सारे फोटोज निकाले बहुत प्यारे प्यारे बहुत खुश हूँ यहाँ के आगरा में कहाँ घूमी हम दो तीन दिन से आए घूमने का तो मौका मिला ही नहीं क्योंकि वाशु जी जो हमारे प्रोड्यूसर हैं उन्होंने बहुत ही टाइट स्केड्यूल रखा है कि हम लोग कुछ मस्ती कर ही नहीं सकते कोई अपने थोड़े से फिल्म के रोल के बारे में बताइए रोल के बारे में बताइए अपनी मूवी रोल के बारे में मैं बहुत कुछ बता नहीं पाऊंगी क्योंकि अभी बहुत अर्ली है uh, अभी फिल्म uh, बहुत ही अर्ली स्टेज पर प्रमोशन बाद में शुरू होंगे तो एज एंड मैन जब होंगे प्रमोशन विल टॉक अबाउट इट बट वेरी इंटरेस्टिंग और लाइक आई एम बिट पिकी अबाउट माई रोल्स तो आई हेव पिक द रोल विच इज़ नॉट जस्ट बींग फ्लावर इन द फिल्म और शी इज़ सपोर्ट सिस्टम ऑफ हिज लाइफ तो uh, एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर निभा रही हूँ फिल्म में जैकी के बारे में बताएं कैसे uh, पहले तो यंग है बहुत uh, और इस सेट पे वही वाइब है uh, सारे यंग लोग इस फिल्म में काम कर रहे हैं तो एक बहुत ही यंग रिफ्रेशिंग लव स्टोरी बना रहे हैं आई थिंक जैकी इज़ एपली कास्ट फॉर इट थोड़ा सा डायरेक्टर नहीं कुछ लगा आपको डर लगा कि नए है, डायरेक्टर हैं मूवी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए ऐसा माइंड नहीं था <laughs> नहीं मैं आ, जो भी आ, फिल्मों को यस बोलती हूँ उसका सिर्फ एक ही क्राइटेरिया सिंगल क्राइटेरिया विच इज़ वट इज़ द स्क्रिप्ट लाइक वट इज़ माई रोल लाइक फर्स्ट और अफजा में वो इंथूजियाजम था कि वो कुछ करना चाहते हैं ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग फॉर द फिल्म एंड आई होप कि वो इंथुजियाजम जो फिल्म बनाते वक्त उनको रहा है आई होप ऑडियंस कैन सी दैट लव ये एक्साइटमेंट जो पैशन से उन्हें फिल्म बनाई है एंड आई होप दैट कम्स अक्रॉस वाशु की जी के बारे में बताइए आप आपने उन, आपने उनकी फिल्में देखी हैं तो कितना भरोसा है आपका वाशु जी की फिल्मों पर वाशु जी इज़ अ सुपर प्रोड्यूसर बिकॉज जहाँ तक यू नो एज अ प्रोड्यूसर का जो काम होता है टू प्रोमोट द फिल्म आई थिंक हीज़ बिन फैंटेस्टिक इन द पास्ट फ्यू फिल्म एंड आई थिंक